नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किरण पब्लिकेशन के रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो सेट आया अभी मार्केट में, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पांच बुक है, हम पांच बुक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जिनमें से तीन बुक है रेलवे एनटीपीसी जो अभी हाल में एग्जाम हुए हैं 2020-21 में, जो एग्जाम हुए हैं उनके सेट आपको देखने को मिलेंगे। सीवीटी वन के सेट देखने को मिलेंगे और ये बिल्कुल नए सेट है 2021 में, जो 2020-21 में एग्जाम हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आगामी जो रेलवे एनटीपीसी स्टेज टू का एग्जाम होने वाला है और स्टेज जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए ये जो इनका सेट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, इस बुक में जो वॉल्यूम वन है, तीन वॉल्यूम इन्होंने निकाला हुआ है। पहले वॉल्यूम में आपको 20 सेट देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं 20 सेट आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याख्या सहित आपको हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर एक पेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे सेट वन है 30/12/2020 का प्रथम पाली, फिर 7/1/2021 का, 21/1/2021 का, 22/1/2021 का, 23/1/2021 का, 25/1/2021 का, 27/1/2021 का, 3/2/2021 का, 4/2/2021 का, 4/2/2021 का, उसके बाद 3/3/2021 का, 5/3/2021 का, 9/3/2021 का, 13/3/2021 का, 14/3/2021 का, 15/3/2021 का, 1/4/2021 का, 5/4/2021 का, 6/4/2021 का, 7/4/2021 का। और यहाँ पे देखिएगा जो सेट है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ आपको सेट ही देखने को मिलेगा। ये पहला सेट आप देख सकते हैं 13/12/2021 का है, 2020 का सेट है, प्रथम पाली का सेट है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जैसा कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, सेम वही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये जो अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ था, जिसका आंसर किया आया था, उसी का वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और बिल्कुल नए क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नया पैटर्न है वो भी आप जान पाएंगे कि नए पैटर्न पे किस तरह से रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ 100 क्वेश्चन खत्म हो गया और 100 क्वेश्चन खत्म होने के बाद, पूरे 100 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का व्याख्या भी देखने को मिलेगा और व्याख्या भी बहुत अच्छा है, आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। और बुक दोस्तों अच्छा है, आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप ले लीजिएगा। पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप बुक को वहां भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, वॉल्यूम टू है रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सीबीटी वन, ये वॉल्यूम टू होगा। तो टोटल इन्होंने 60 सेट को कवर किया गया है, इसमें भी आपको 21 से 40 सेट ही देखने को मिलेंगे। पहले वाले वॉल्यूम में 1 से 20 सेट है, दूसरे वॉल्यूम में 21 से 40 सेट। और यहाँ पे देख सकते हैं सेट 28/12/28/12 शिफ्ट वन शिफ्ट टू, 30/12 शिफ्ट टू, 9/1 शिफ्ट वन, 16/1/16/1 शिफ्ट वन टू, 1/1/2 शिफ्ट वन टू, उसके बाद 3/2 शिफ्ट टू, 1/3 शिफ्ट वन। ठीक है, 1/3 शिफ्ट वन भी यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी 2/3/2021 शिफ्ट वन, उसके बाद 4/3/2021 शिफ्ट वन, उसके बाद 4/3 शिफ्ट टू भी है, 7/3/21/3, और उसके बाद 3/4/2021 है, 7/4/2021, 8/4/2021, 8/4/2021 है शिफ्ट वन और टू, 23/7/2021। ठीक है, तो यहाँ कवर किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे सेम वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा तीनों सेट में। ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया आपको शिफ्ट वाइज है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखने के, यहाँ देखें अगला वॉल्यूम, वॉल्यूम थ्री है सीबीटी वन प्रीवियस ईयर जो हुए नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एनटीपीसी का, वही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 41 से 60 है 2021 में जो क्वेश्चन पेपर बने, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका यहाँ कलेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा 8/1/2021, 9/1/2021, 12/1/2021, 13/1/2021, 9/2/2021, 10/2/2021, 12/2/2021, 15/2/2021, 15/2 शिफ्ट वन शिफ्ट टू दोनों देखने को मिलेगा, 16/2 द्वितीय पाली आपको देखने को मिलेगा, फिर एनटीपीसी 17/2/2021 है, उसके बाद 22/2/2021 है, 22/2/2021, उसके बाद 23/2/2021, 11/3/12/3/2021, 13/3/2021 से 14/3/15/3, 27/3। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेट देखने को मिलेगा 41 से 60 सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा गया था वही आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा। तो 60 सेट इन्होंने कवर कराया गया और मुझे लगता है इतना अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 मुख्य परीक्षा के लिए भी इन्होंने सेट निकाला हुआ है
और यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिस वर्कबुक है, जो पहला 3 मैंने बताया वो था आपका प्रीवियस ईयर पेपर, और यहाँ पे आपको 2021 में संपन्न रेलवे के CBT 1 के प्रश्न पत्रों सहित आपको ये बुक देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी आप चाहे तो ले सकते हैं, अच्छा बुक है दोस्तों, आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है या नहीं। बाकी जो पहले 3 है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे इन्होंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है, जैसे गणित का सेक्शन आया उन्होंने गणित वहाँ लिख दिया है, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे रीजनिंग आप देख सकते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, मतलब ये मेंस का पेपर है, मैंने पहले ही बताया था, और यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, और हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि अच्छा है, ठीक है, तो आप चाहे तो इनके बुक को ले सकते हैं, हर एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है इनके बुक के अंदर, ठीक है। तो बुक दोस्तों अच्छा है, आपको चाहे तो ले सकते हैं। अगला बुक हमारे पास ये है, देख सकते हैं, खान सर का बुक है ये, ग्रुप डी के लिए इन्होंने निकाला हुआ, और ELP ग्रुप डी सभी के लिए उपयोगी है, और यहाँ प्रैक्टिस सेट है, 24 सेट आपको देखने को मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे शुरुआत में इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया है कि करंट अफेयर पॉइंटर के साथ साथ है, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी कवर किया है, ठीक है। तो शुरुआत में आपको ये देखने को मिलेगा, फिर लेवल 1 लेवल 2 अलग अलग, मतलब लेवल 1 मतलब ईजी सेट होगा, लेवल 2 मतलब थोड़ा हार्ड सेट होगा, तो इन्होंने अलग अलग लेवल 3 भी आपको देखने को मिलेगा, फिर लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 लेवल 7 मतलब 7 से लेवल में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया है अपने प्रैक्टिस सेट को, तो जिससे आपका क्या होगा, तैयारी क्या होगा, इंप्रूव होते जाएगा धीरे धीरे, आपका तैयारी क्या होगा और भी अच्छा होते जाएगा। तो इनके जो सेट है दोस्तों अच्छे होते हैं, खान सर का सेट है, खान सर के द्वारा ये सेट बनाया गया है, तो आप चाहे तो इससे इनके बुक को ले सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया कि बुक कैसा है, आप देख सकते हैं आपके सामने है, जो भी कुछ है आपके सामने है, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, और आप चाहे तो ले सकते हैं। बट जो पहले जो 3 मैंने बताया, Volume 1 Volume 2 Volume 3, वो तीनों तो इम्पॉर्टेंट है, आपको उन तीनों बुक को लेना चाहिए, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और किसी का कोई डाउट होगा देख सकते हैं यहाँ पे आपको, ये ग्रुप डी के लिए है, ठीक है, ग्रुप डी के लिए स्पेशली खान सर ने यहाँ बनाया हुआ है, और ग्रुप डी का हर एक सेट को, मतलब हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो अगर आप लोग को चाहिए ग्रुप डी का कोई सेट, आप लोग खोज रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप खान सर का ये सेट ले सकते हैं। इसमें आपको मैंने बताया जैसा कि शुरुआत में 24 सेट कवर किए गए, ठीक है, टोटल 24 सेट आपको 7 लेवल में डिवाइड किया गया 24 सेट को, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, और बहुत ही अच्छा बुक होता है खान सर का, ठीक है। 100 के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है, और प्रिंटिंग क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला यहाँ पे, तो आप लोग ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।